हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसी को कंटिन्यू करने वाले मृदा विज्ञान। और पिछले वाले अपने वीडियो हैं उसमें अपन ने बात की है मृदा की विशेषताएं हैं, मृदा के क्या क्या कार्य होते हैं, मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन बातें कर रहे थे। मृदा अवयव जो होते हैं कितने होते हैं ये अपन ने देखा था कि मृदा के जो अवयव होते हैं चार हैं। कितने होते हैं? चार अवयव होते हैं। फर्स्ट वाली की अपन बात कर रहे थे उसमें ठोस पदार्थ, और सेकंड वाला अपने पास है द्रव या गैसीय पदार्थ जिनको अपन रंध्रावास कहते हैं। आज अपन इन्हीं मृदा अवयवों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले, कौन से वाले क्या गुण होते हैं, कौन सी विशेषताएँ होती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला पदार्थ आपके पास में है ठोस पदार्थ। स्टूडेंट्स अपन ने देखा था ठोस जो पदार्थ होते हैं कितने होते हैं? 50%। कितना परसेंट होता है मृदा निर्माण में? 50%, यानी आधा हिस्सा किसका होता है? ठोस पदार्थों के रूप में होता है, मिट्टी के रूप में। इसमें भी ये दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक आपके पास में खनिज पदार्थ है और दूसरे वाला आपके पास में है वो कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ। कौन सा होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। डैट मीन्स फर्स्ट वाले आपके पास में है, उनकी बातें करें, ये जो अपने पास में है लगभग कितना होता है? 45% होते हैं। कितने होते हैं? 45% भाग जो होते हैं सबसे अधिक खनिज पदार्थ ही मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, 45% इसका भाग होता है। और खनिज पदार्थों में अगर बात करें तो जो खनिज पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? वो मोस्टली अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? धातुएं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इसके अलावा जिंक है, मैग्नीज है, इस प्रकार के जो इत्यादि धातुएं होती हैं जो मृदा के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। या इनके अलावा कृत्रिम रूप से भी अपन मिट्टी के अंदर हैं जो खनिज पदार्थों को डालते हैं जिसको अपन उर्वरक वगैरह कहते हैं, इनकी बातें अपन आगे करेंगे। उर्वरक वगैरह वो भी किसी खनिज पदार्थ की अगर कमी हो जाती है, मिनरल की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर कृत्रिम रूप से उर्वरक हैं उनको डाला जाता है। तो ये खनिज पदार्थ हैं ये लगभग सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? मृदा के अवयव के अंदर है। ठीक है, खनिज पदार्थों की कमी से या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? खनिज जो पदार्थ की अगर वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए तो इनकी अम्लता और क्षारकता जो होती है जिसको आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, पीएच प्रभाव जो होता है, पीएच पैमाना जो होता है उसमें परिवर्तन मिट्टी के हो जाते हैं। सामान्य रूप से अपन मानते हैं जो मिट्टी होती है कैसी होती है? उदासीन। तो मिट्टी का जो गुण है वो होता है उदासीन प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है? उदासीन। और इसमें अगर खनिज पदार्थों की मात्रा जो 45% से कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कोई खनिज इस प्रकार का है कौन सी धातु मिली हुई है उस धातु की प्रवृत्ति के आधार पर इसके पीएच मान पर पीएच मान पर भी खनिज पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। तो पीएच मान में जो परिवर्तन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पीएच मान के आधार पर मिट्टी जो होती है वो अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय प्रवृत्ति की भी हो सकती है। तो सामान्य रूप से कॉन्टेक्ट जो मिट्टी होती है कैसी होती है? उदासीन प्रवृत्ति की होती है। तो ये खनिज पदार्थ का सबसे बड़ा योगदान होता है। खनिज पदार्थ जो होते हैं कैसे होते हैं? पोषक होते हैं। कैसे होते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन सा तत्व किस प्रकार का पोषक तत्व हुआ ये अलग अलग प्रजेस की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा जो पार्ट ठोस पदार्थ में अपने पास में स्टूडेंट्स कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ। कौन सा वाला है? कार्बनिक जो पदार्थ है उनके अपन बात करते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ है ये कितना परसेंट होते हैं? 5%। कितना होता है? 5% भाग कार्बनिक पदार्थों का होता है। अब देखिए सबसे बड़ा काम है कार्बनिक पदार्थ आते कहाँ से? कार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें तो इनमें कार्बन होगा, इनमें हाइड्रोजन होगा, इनमें ऑक्सीजन होगा, इनसे मिलकर के बने होंगे। और कार्बनिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये कहाँ से आते हैं? प्लांट से। सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ये सड़े गले जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो किस में आती हैं? कार्बनिक पदार्थों के अंदर आती हैं। और कार्बनिक पदार्थ 5% मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये है, अब ये सबसे बड़ी बात क्या है कार्बनिक पदार्थों की? पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब मिट्टी के पोषक भाग होते हैं। कैसा होते हैं? पोषक भाग जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? पोषक भाग मिट्टी का कार्बनिक पदार्थों से ही मिलकर के बना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो पोषक भाग का निर्माण करते हैं। और पोषक भाग का निर्माण करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने या गलने से जो अपने पास में एक नए मिट्टी के अंदर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं?
ह्यूमस कहा जाता है। ये ह्यूमस होते हैं, ये ह्यूमस होते हैं, ये ही उर्वरक होते हैं। एक प्रकार से हम देखें तो ये प्राकृतिक रूप से उर्वरक या पोषक पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस, ह्यूमस कहलाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कार्बनिक पदार्थों का ह्यूमस वाला पार्ट ही होता है, ये ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, ये ह्यूमस क्या होते हैं इनकी अपन बातें अभी करने वाले हैं। ये मेन पार्ट था हस्तवाड़ी पार्ट में, ठोस पदार्थों में खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों की अपन ने बात की है, और इसका कार्य क्या होता है वो अपन ने बात की। दूसरा जो अपने पास में स्टूडेंट्स ठोस पदार्थों के अलावा दूसरा भाग अपने पास में आने वाला है वो भाग कौन सा रहेगा, वो भाग अपने पास में स्टूडेंट रहने वाला है वो कौन सा रहेगा। देखिए आप द्रव या गैस के पदार्थ होते हैं कितने परसेंट अपने पास में होते हैं, द्रव या गैस के पदार्थ है। और अपन ने इसमें बात की थी कि द्रव जो पदार्थ होते हैं, सेकेंड वाला जो पार्ट है अपने हमें है मिट्टी के अवयव में द्रव या गैसीय अवस्था वाले पदार्थ होते हैं, द्रव या गैसीय पदार्थ है जिनको अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं का नाम था रंध्र अवकाश। क्या बोलते हैं, रंध्र अवकाश। और रंध्र जो अवकाश होते हैं स्टूडेंट्स, ये रंध्र अवकाश सबसे बड़े भाग किसके अंदर है, गैस या गैसीय पदार्थ जो होते हैं रंध्र अवकाश के रूप में अगर पाए जा रहे हैं इनमें। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं दो भागों में डिवाइड है। सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट वाला तो कौन सा है, जलीय भाग कितना होता है यानी मृदा जल किस रूप में होता है, मृदा जल के रूप में होता है जलीय भाग। ये वाला द्रव पदार्थ मृदा जल के रूप में होता है और मृदा के अंदर जो जल होते हैं ये कितना परसेंट होता है, पहले बात की थी पिछली वाली क्लास में 25% भाग क्या होता है मृदा के अंदर में, मृदा जल का भाग पाया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर मृदा जो जल है उसको 25% भाग है, मिट्टी के अंदर जो जल होता है वो किस रूप में है, ये वर्षा का जो जल होता है वो संग्रहित हो जाता है और संग्रहण के फलस्वरूप मिट्टी के जो केशिकाएं होती है मिट्टी के अंदर उनके अंदर जल का संग्रह होता रहता है। ये एक पृष्ठ तनाव वाली घटना होती है, पृष्ठीय तनाव जो विज्ञान के अंदर एक घटना है उसके थ्रू मिट्टी के अंदर इसका संचय होता है, केशिकाओं का निर्माण होता है। 25% जल होता है, ये जल स्तरों के रूप में पाया जाता है जो आपके पास है मिट्टी है, इस टाइप से आप मिट्टी देख रहे हैं, ये ऊपर वाला ऊपर वाला स्तर आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी का, ये अपने पास में ऊपर वाला भाग है। तो नीचे वाले जो स्तर होते हैं मिट्टी के स्टेप से, मिट्टी के स्तर बने होते हैं, ये मिट्टी के लेवल से इनकी अपनी बातें करने वाले हैं नेक्स्ट वाले से। तो ये जो चीज जल की बूंदें जो होती हैं ये ऊपरी वाले सतह वाले भाग पर होती है, यहाँ से ऊपर वाले सतह के ऊपर तो वर्षा का पानी अभी गिरता है। अब ये पानी है वो कहाँ जाएगा, कुछ तो बास में टूट जाता है, कुछ को मिट्टी के जो कण होते हैं मिट्टी की प्रकृति के आधार क्या करते हैं अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित होने के बाद मिट्टी के अंदर जो जल है वो धीरे धीरे नीचे वाली परतों के अंदर चला जाता है। यही जल आगे जाकर के अपने किस में काम आता है स्टूडेंट्स, यही जल अपने आगे जाके कृषि युग सिंचित जल होता है, कौन सा सिंचित जल के रूप में सबसे बड़ा भाग इसका पाया जाता है, सिंचित जल के रूप में पाया जाता है। ये भी अपन देखते हैं सिंचित जल होता है ये मिट्टी के अंदर मृदा जल के रूप के अंदर ही पाया जाता है, 25% भाग इसके अंदर होता है। दूसरा अगर बात करें तो जल जो होता है ये जल होता है वो क्या करते हैं, प्लांट की जो जड़ होती है, प्लांट की जड़ जो होती है इसके अंदर जलीय कार्य के काम करता है, और जल एक पोषक तत्व भी होता है प्लांट के लिए, तो पोषक तत्व के रूप में भी कार्य करता है जल। पोषक तत्वों के रूप में बात करें तो ये जड़ों के द्वारा जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अवशोषण करके जल के द्वारा क्या करते हैं प्लांट के सभी भागों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है। मिट्टी के अंदर ही सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और वो जल के द्वारा गलनशील अवस्था के अंदर कहाँ पहुँचाते हैं, ये प्लांट के अंदर पहुँचाते हैं। बात करें इसके दूसरे वाले पार्ट की तो अपने पास में है मृदा वायु, क्या होती है मृदा वायु होती है, जो मृदा वायु होती है स्टूडेंट्स ये मृदा वायु जो होती है वो लगभग कितना परसेंट 25% होती है, 25% मिट्टी के अंदर वायु पाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, वायु का जो भाग होता है 25% जल के अंदर बराबर होता है। अब कौन कौन सी वायु होती है वो यानी कौन कौन सी गैसें होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती है, अगर बात करें तो इसके अंदर अपने पास में है O2 है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल की, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसें मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर मृदा वायु के रूप में पाई जाती हैं। अगर बात करें वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग कितना परसेंट होती है, लगभग 21% ऑक्सीजन जो पाई जाती है वायुमंडल में, उतनी ही कितनी होती है मृदा वायु मिट्टी के अंदर, इतना ही परसेंट पाई जाती है।
नाइट्रोजन जो होता है लगभग 78% जो लगभग नाइट्रोजन होता है मोस्टली ये है वायुमंडल के अंदर होता है। इतना ही लगभग बात करें तो मृदा वायु के अंदर भी इसका परसेंट लगभग इतना ही रहता है। स्वतंत्र रूप से काम नहीं होती है, अलग अलग पदार्थों के रूप में नाइट्रोजन ऊपर यूज करते हैं। यहाँ पर तीसरा जो हमारे पास में स्टूडेंट होंगे CO2 के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो वायुमंडल में 0.03% इतना परसेंट होता है, 0.03% CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। परंतु इसमें एक खास बात होती है CO2 के अंदर, ये CO2 जो होता है इसमें मिट्टी के अंदर CO2 की जो मात्रा होती है वो ज्यादा पाई जाती है। वायुमंडल के बजाय CO2 की जो मात्रा है वो मिट्टी में ज्यादा पाई जाती है, और लगभग कितना होता है 0.3%, कितना होता है 0.03 नहीं होता, 0.3% मिट्टी के अंदर CO2 गैस की मात्रा वायुमंडल की तुलना में क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मिट्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो परत आपके पास में यहाँ पर है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो O2 और N2 जो होती है इसकी मात्रा तो कम होती जाती है, पर ऊपर से नीचे जाने पर CO2 की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। एकमात्र CO2 की सांद्रता है वो क्या बनेगी, बढ़ती हुई जाएगी। इसका मतलब मृदा वायु के अंदर जो है वो सबसे अधिक सेम वही पार्ट होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, वायुमंडल के जो गैसें होती हैं उनका अनुपात के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस प्रकार अपने देखा है यहाँ पर मृदा के जो चार ऑर्गन होते हैं उनमें कौन कौन सा कितना भाग होता है, किसका क्या कार्य होता है, किस में काम आते हैं, वो चीज़ें अपन ने यहाँ पर डिस्कस की। इसके साथ ही अपना मृदा उपयोग वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर आप समाप्त हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मृदा अवयव के बाद कि मृदा के जो स्तर होते हैं, मृदा स्तर जो बनते हैं कौन कौन से स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं और स्तरों के अंदर कौन कौन से क्या फंक्शन कार्य होते हैं, उनकी बातें अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। डिस्टेंट आप इसमें समझ गए कि मृदा के अवयव हैं उनके प्रकार कार्य किस प्रकार से होंगे। आई क्लियरिटी ओके।